स ट्राइज एंड ओ लेबल थर्टी सिक्स एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेलो स्टूडेंट दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आज हम लोग सॉल्व करेंगे थर्टी सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन मकलीरी पुट योर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड साइलेंस स्क्रैपिंग ऑफ चेयर एंड टेबल्स इंस थैंक यू वेरी मच सर मकलीरी ऑल राइट वॉज इट इवान्स नॉट टू बैड मकलीरी गुड मिस्टर स्टीफन वेरी लाउड द गवर्नर हॉर द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वॉज ओवर तो ये जो एक्स्ट्रैक्ट है आपके लिए वो इवानस का एग्जाम ओवर होने के बाद का है उनकी जो बातचीत है उस टाइम का है नो क्वेश्चन वट डिड मकलीरी इंस्ट्रक्ट इवान्स मकलीरी ने इनविजिलेटर ने इवान्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया मकलीरी इंस्ट्रक्टेड टू पुट हज सीट्स इन ऑर्डर एंड नंबर देम करक्टली मकलीरी इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन साइलेंट मकलीरी इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज द डोर मकलीरी इंस्ट्रक्टेड दैट द एग्जामेशन वॉज ओवर करेक्ट आंसर द वेरी फर्स्ट वन मकलीरी इंस्ट्रक्टेड टू पुट हिज सीट्स इन ऑर्डर एंड नंबर दम करेक्टली वाइट डिड इवान्स थैंक मकलीरी इवान्स ने मकलीरी को इन्विजिलेटर को थैंक यू क्यों बोला फॉर हेल्पिंग इन गेटिंग एस्केप्ट फ्रॉम रीजन for supporting him to take his examination well? for taking his examinations? none of these. for what reason? for supporting him to take his examination well? which word from the following means the same as a loud, resonant, metallic sound? correct answer. clang. clang means loud, resonant, metallic sound. what did the governor hear? governor in kasuna? silence. door clang. Conversation of McLeary and Evans, both two and three. Both two and three, yes. Both two and three. This is the correct answer. Now, second one. Guten Gluck, Herr Evans. Pardon, I said good luck. Good luck for tomorrow. Oh, thanks. Yeah, I mean, yeah. Thank you, Sean. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in o oh, label German. Just a very slight possibility. ट एट थर्टी पी एम ऑन मंडे सेवन जून इवान्स जर्मन टीचर हैंड इन दी है जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग नाउ क्वेश्चन इन वर्ड वॉज इवान्स जेन्युनली इंटरेस्टेड आंसर जर्मन ओ लेबल न सेकेंड वन वेन डिड इवान्स जर्मन टीचर मीटिम कब मुलाकात होती है आखिरी बार कब मिलने आता है जर्मन टीचर ट्यूजडे एट जुलाई मंडे सेवन जून ट्यूजडेडेट जुलाई करेक्ट आंसर मंडे सेवन जून उसका एग्जामिनेशन डेट होता है डिड वेडांस जर्मन टीचर मीट हिम कहां मुलाकात होती है Iwans के जर्मन टीचर और उसकी रिक्रेशनल ब्लॉक इन डी विंग बोथ वन एंड टू नीदर वन नॉर टू करेक्ट आंसर इन रिक्रिएशनल ब्लॉक वॉट इज अंग ऑफ गट एंड लक गट एंड ग्लक का क्या मतलब है गुड मॉर्निंग नहीं लक फॉर टुमोरो नहीं गुड लक यस गुड लक मकलीरी यू हैव गॉड अ वॉच यस सर आई विल बी टेलिंग यू वेन टू स्टार्ट एंड अगेन वेन यू हैव फाइव मिनट लेफ्ट ऑल राइट साइलेंस देर इज प्लेंटी मोर Of this writing Paper So do you need it? Silence McCleary, Now write the name of the paper 0211 In top left hand corner McCleary In the top right hand corner Write your index number 313 And in the box just below that Write your centre number 271 Alright Now questions What did McCleary ask Ivan's? McLeary ne Ivan se kya pucha? If the exam has started or not If he had a watch or not वट इज द नेम ऑफ द पेपर नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इफ यी है उसके पास घड़ी है नेम ऑफ दाम क्या था द नेम ऑफ द पेपर वॉज जीरो टू वन वन वट विकलीरी टेल इवान्स क्या बताएगा इन विजिलेटर मकलीरी इवान्स को वेन टू स्टार्ट राइटिंग इज एग्जामिनेशन

Kalki ne likha the tiger king. Now, fourth one. At 8.45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June and a long black overcoat and a sallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the women's guild that afternoon on the Book of Rat. And a current copy of the Church Times. No questions. What was there in McCleary's right hand? McLeary's right hand. McLeary ke right hand mein kya tha? वट वॉज कैरिंग ही वॉज कैरिंग स्मॉल ब्राउन सूटकेस और सारी चीजें उनकी जरूरत की इसी सूटकेस में थी हु मकलीरी था कौन मकलीरी वॉज द इन्विजिलेटर लेकिन असल में स्टोरी में आप आगे पढ़ते हैं कि ये असली नहीं था ये नकली था असली मकलीरी को उन्होंने बांध दिया था इवानस के फ्रेंड्स ने एट वॉट टाइम डिड मकलीरी लीव हिज फ्लैट किस टाइम पे मकलीरी एक्चुअली किस टाइम पे वो अपना फ्लैट छोड़ के निकलता है फोर फिफ्टी एट ए एम पे एट फोर्टी फाइव एम पे फाइव फोर्टी एट ए एम पे एट फिफ्टी फोर ए एम पे करेक्ट आंसर एट फोर्टी फाइव ए एम रिपोर्टेड वेदरमैन रिपोर्टेड अबाउटरेचर टेम्परेचर के बारे में वेदरमैन की क्या रिपोर्ट थी कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून यस दिस इज द करेक्ट आंसर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून now, fifth one. i'm all right. i'm all right. look, look here. awkwardly, he opened the german question paper and thrust it before the governor's face. it's there. did you see what i mean? the governor looked down and realized what mccleary was trying to tell him. a photocopied seat had been carefully and cleverly superimposed over the last, originally blank, page of the question paper. now, questions. i'm all right. i'm all right. look, look here. who said this? Kisne kahi ye baat ki main theek ने असल में यह मकलीरी नहीं है यह द गवर्नर रियलाइज गवर्नर ने क्या रियलाइज किया द गवर्नर रिलाइज मेड अ वंडरफुल प्लान फॉर द गवर्नर रिलाईज मकलीरी गवर्नर रियलाइज वकलीरी वॉज ट्राइंग टू हिम वेयर वॉज द फोटोकॉपी सीट सुपर इम्पोज फोटो कॉपी जो सीट थी बड़े अच्छे से चिपकाई गई थी कहाँ पे ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिलो द सेकंड लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिटवीन द क्वेश्चन पेपर बिलो द क्वेश्चन पेपर ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर हाउ वॉज द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर ओरिजिनली कैसा था ओरिजिनली ओरिजिनली यह कैसा था ब्लैंक था और उसी पेज पे चिपका दिया गया था Now sixth one, Evans was visibly shaken. He sat down slowly in the only chair the small room could offer, and held his head between his hands for several minutes. There was utter silence. Finally, he spoke. It was that bloody correction slip, I suppose. अब ये वो time है जब Evans वहाँ से निकलता है Golden Lion Hotel में enter करता है दरवाजा खोलता है और उस room में पहले से बैठा हुआ है Governor तो वो थोड़ा सा shocked हो जाता है Why was Ivan क्यों वो सॉफ्ट था क्यों उसको झटका लगा बिकॉज ही सॉ द गवर्नर इन हिज होटल रूम करेक्ट आंसर बिकॉज ही सॉ द गवर्नर इन हिज होटल रूम नाम क्या था होटल का गोल्डन लॉयन वॉट डिड इवान डू वेन ही सॉ द गवर्नर इन हिज रूम क्या करता है वो जब गवर्नर को देखता है अपने सामने अपने छोटे से रूम में ही टॉक टू हिम पोलाइटली ही सैट डाउन इन अ चेयर एंड बिटवीन हिज हैंड्स He was scared of getting caught again. He planned for another escape. Correct answer. He sat down in a chair and held his head between his hands. What was the correction slip responsible for? Correction slip ne kya kiya? The correction slip was for doing work. The correction slip was just a copy of the question paper. The correction slip had paved the way to locate his whereabouts. Yes. The correction slip had paved. वे टू लोकेट इज वेयर अबाउट कहां वो था उसकी सूचना गवर्नर को कहां से मिली करेक्शन स्लिप से विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ मफल मफल मीन्स क्या होता है मफल मीन्स होता है टू डेड एन या फिर म्यूट कर देना तो उसका अपोजिट बताना है आपको एंटोनिम बताना है एम्प्लीफाई करना आवाज बढ़ा देना एम्प्लीफाई नाउ सेवेंथ वन अ विजिटर टू विजिटर्स इन फैक्ट He tugged his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully, morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. Jackson was the senior prison officer on D-Wing and he and Ivans had already become warm enemies. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly looking man, only recently recruited to the profession. Who were the visitors? Mr. Jackson and Stephens. These two were visitors. करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू हु वॉज मिस्टर जैक्सन मिस्टर जैक्सन था कौन वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था स्टीफन जूनियर था न्यूली रिक्रूटेड था लुकिंग मैन था सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डीविंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप डू मिस्टर जैक्सन एंड इवानस फोजेस कैसी रिलेशनशिप है दोनों की दे आर वॉर्म इनमीज बर्ली सर्ली लुकिंग मैन Stephens. Now, eighth one. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. Not a very neat job, conceded Jackson. They are not. They don't honestly think I am going to try. They are taking no chances, Ivans.

That it was not a very नॉट अ वेरी नीट जॉब करेक्ट आंसर दैट इट वॉज नॉट अ वेरी नीट जॉब Jackson say that? Nobody in his senses would take any chance with you. Mr. Jackson ने यह बात क्यों कही कि कोई भी व्यक्ति जो समझदार है तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहेगा वो जानता है तीन बार जेल से वो भाग चुका है और चौथी बार भी भाग ही जाएगा Because he was a very strict officer? नहीं Because he may try to escape again? Because nobody wants to put their life in danger, none of these correct answer because he may try to escape again. Which word from the following means the same as a young boy? Young boy has similar word. Batayye. Laddie. Correct answer? Laddie. Now the last one, Do tell me your score in comment section after attempting all these 36 questions? The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McLeary through the cell door Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens. Jackson quickly explained the governor's worries and McCleary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frizzed his clothes. Something hard here, sir. Now, questions Who was introduced by Stephens? Correct answer The examinee and the invigilator were introduced by

वट डिड मिस्टर जैक्सन एक्सप्लेन टू मकलीरी मकलीरी को मिस्टर जैक्सन ने क्या एक्सप्लेन किया क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रिकॉशंस टू बी टेकन द गवर्नर्स वरीज ऑफ दीज करेक्ट आंसर जैक्सन ने मकलीरी को गवर्नर की वरीज को एक्सप्लेन किया नाउ लास्ट वन कैन यू कम आउटसाइड सू सेट दिस किसने कहा ये कि आप कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकते हैं किसने कहा मिस्टर जैक्सन ने मिस्टर injection.